स्वागत हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री परम सम्मानी अजीत कुमार जोगी का एक महाविद्यालय परिवार में हार्दिक अभिनंदन स्वागत और साथ में आए हुए सम्मानीय अतिथियों का हार्दिक वंदन अभिनंदन। इस कार्यक्रम के अतिथि के रूप में बैठे हुए परम सम्मानीय बुजराम बौजी पूर्व विधायक पामगढ़, परम सम्मानीय चाचा जी अजीत जोगी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दीजिए परीक्षा की हरी कसम, परीक्षा की हरी कसम। और शिक्षा के दीप हो तुम, तुम की सरिता बहाना है, तम को दूर भगाना है, हे माटी सपूत आपको कुछ कर दिखाना है, कुछ कर दिखाना है। इन्हीं पंक्तियों के साथ हमारे संरक्षक, हमारे महाविद्यालय विद्यालय के संरक्षक जिनके आज शीर्वासीय फल फूल रही है, उन्हें मैं मंच के सादर आमंत्रित करना चाहूँगा परम सम्मानी अजीत कुमार जोगी जी को। खूब कविता पढ़े हैं तो मोहू लगत है कि अपन मोर का एक दोहा पार के लगा मन हवा यहाँ फिर मन हो बोल ही समझे हो बोल गए। अरे दे 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 दे। बहुत बहुत कहां थे संगी, बहुत कहां से आए रे, बाग भी लागे बाबा घासीदास के और फलनवा कहां लुकाए रे। रमेश जी क्या कहता है थोड़ा सा भाई तुम्हारे और ये संस्था जिन हमार बार और ये पूरा क्षेत्र पर एक उदाहरण बन गए हैं, निशान बन गए हैं। जब 2003 में बोला बुलाए रही निमन मैं 5 लाख देव और मोला लगी इसके यहाँ कमीशन कवाई हो जाए और कागज नहीं चला और उस समय 250 बच्चा रही। आज जब 2016 में आए हम 13 साल बाद तो ओखर से 10 गुना ज्यादा 2500 बच्चा यहाँ पहुंचे। संचालक मन राजा राम बनर्जी जी, पी के दिव्य जी, एच पी दुर्गहरे जी, कमलजीत राय जी, जोहित राम पटेल जी, श्रीमती शकुंतला बनर्जी, श्रीमती उषा दिव्य, श्रीमती हेमलता भट्टे, अंबिका पटेल जी, देखा नाम छूटे हैं मोर से नाराज मत भैया, कावर मुला जे लिख के दे है बनर्जी जी वही ना मैं पढ़े हूँ। देखा नाम छूटे हैं ओला नाराज होना है तो राजा राम से नाराज हो गए, अजीत जोगी से नाराज ना हो। और हमारे महाविद्यालय प्रांगण में आए मोर भविष्य, मोर छत्तीसगढ़ माटी के भविष्य हमारे छात्र छात्रा मन उमन ला पढ़ाए वाले समर्पण से पढ़ाए वाले आदरणीय अध्यापक प्राध्यापक गण और हमारे मीडिया के साथी मन और दूर दूर से आए हैं हमारे भाई मन, दीदी मन, बहनी मन, बेटी मन, हमारे भाई मन, हमारे संगी मन, हमारे सगा मन, हमारे संगवारी मन, हमारे किसान,
मजदूर साथी मन आओ नौजवान मित्र मन बाबू नोनी वैसे जब राजा राम जी बोला नौता दे रही उस समय मैं कह रहे हूं पूरा टाइम तोला दिया हूं पर ये बीच में मोर ऑपरेशन हो गए पेट के पेट कम हो गए ना चर्बी निकाले हैं तो डॉक्टर लगे तो डॉक्टर के इसकी अभी हफ्ता दस दिन मत रहा है पर जब मैं राजा राम से बात करे यहाँ बात करे तो ईमान कही कि ओ बाबा बैठे हैं तो ला कुछ नहीं हुई आज आध घंटा बाद डेढ़ घंटा बैठ गए तो ला कुछ नहीं वही आशीर्वाद से मैं यहाँ आया और बोला कते खुशी लगा थे छत्तीसगढ़ के 36 समाज आज यहाँ उपस्थित थे उदय हमारे केवट की उदय हमारे यादव जी है उदय हमारे गुप्ता जी है उदय हमारे महाराज है ठाकुर साहब है कुर्मी है साहू है केवट है कोष्टा है छत्तीसगढ़ के 36 समाज आज यहाँ सकला है बोला बहुत खुशी अगर कोनो ये कहे कि प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय बाबा गुरु घासीदास जी केवल सत्तावी समाज के बाबा रही तो मैं कहता हूं ये बिल्कुल गलत बात बाबा गुरु घासीदास बोला हम एक समाज के सीमा में बांध के नहीं रह कोई भी दिव्य पुरुष हो ही कोई भी संत हो ही संत पूरा मानवता के होंगे एक समाज के नहीं का एक जन संत के आज चर्चा चलत है बात चलत है हमारा श्रद्धांजलि देवर आए हैं ये हमारे छत्तीसगढ़ के माटी के सपूत छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े संत हमारे छत्तीस समाज हम सब के संत ही ऐसे पहली बात में स्पष्ट गलत और सबसे बड़े संत कहे है कोनो ऐसे जितना इतिहास पढ़े हो 5000 साल के 5000 साल के इतिहास में है कोनो ऐसे संत जेकर पाछू चलैया 10,000, 20,000, 50,000, 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख नहीं जेकर पाछू चलैया आज दुनिया में 1 करोड़ से ज्यादा है ऐसे और कोई दिव्य पुरुष हमारे माटी लग सुशोभित नहीं कर और कहा समझे दिस बहुत ज्यादा बात नहीं करी सबसे बड़े संदेश उठा मन के मन के एक समान मतलब ऊंच नीच अमीर गरीब अगड़ा पिछड़ा अरे देखा खून ला निकाल के देखे खून के रंग तो लाले हुई कोनों के खून सफेद नहीं है नीला नहीं है हरा नहीं है सबके खून लाल है सब बराबर और मैं एक पहली बात अपने पढ़े वाले छात्र मन छात्र छात्राओं बन चुका
यहाँ तो मैं पढ़ा था संत शिरोमणि गुरु घासीदास महाविद्यालय, छत्तीसगढ़ ज्ञान ज्योति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, यहाँ आप मैं पढ़ा था। बड़ा एक बात सुनता हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू कैम्ब्रिज में पढ़े बढ़ते थे। वो समय दुनिया के सबसे बड़े सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कैम्ब्रिज थी। कैम्ब्रिज में प्रवेश मिल जाना मतलब जिंदगी में कोई उलट पाछू नहीं कर सकता। कैम्ब्रिज में पढ़े वाले चाहे चर्चिल हो चाहे लीकान्यू हो पढ़ के दीस तो अपन देश के प्रधानमंत्री अपन देश के बड़का लीडर बनी। पर जब जवाहरलाल जी के एडमिशन हो गए तो उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू जी बोला एक चिट्ठी लिखी। बच्चा मन ला ध्यान से सुना, मोतीलाल जी अपन बेटे का चिट्ठी लिखी, बेटा जवाहर एक बात के लिए बताओ तो खर हिंदी करके छत्तीसगढ़ी करके बताओ। बेटा जवाहर वैसे तो जिन कैम्ब्रिज में पढ़े बता थे बोला लगते कि मोर बार बड़े गौरव की बात है कि मैं कैम्ब्रिज में पढ़ा हूं। पर बेटा मैं तो से एक बात कहा था, मैं ये चाहता था कि मोर बेटा जीवन में इतना सफल हो कि ओरा इस बात के गर्व नहीं रहा कि वो कैम्ब्रिज में पढ़ी पर कैम्ब्रिज रहा। ये बात के गर्व होना चाहिए कि जवाहर कैम्ब्रिज में पढ़ी। जहां भी जाओ अतक ऊंचा बन के दिखाओ कि बनर्जी और एक अगला पीढ़ी जब यहां सम्मान करे तो गौरव के साथ बोले फलाना आज कलेक्टर बन गए, फलाना आज एसपी बन गए, आईजी बन गए, डीजी बन गए, चीफ सेक्रेटरी बन गए, मुख्यमंत्री बन गए। हम लोग गर्व है कि हमारे महाविद्यालय में हमारे विद्यालय में पढ़ते निकले। ऐसे ही जगह कहे के मौका मिले और यही जिंदगी ला बना के तुम्हारी जिंदगी ला बना के यही 10-15 साल है। बनी तो बन जाही और नहीं बनी था मजूरी कर कहो। एक बहुत बड़े लड़ाई हो रही जिला हवन कथन बैटल ऑफ वाटरलू। वो समय नेपोलियन नाम के एक राजा ही फ्रांस के ओला कोई नहीं हरा पाती दुनिया में, जहां जाए वो देश में कब्जा करे। आखिर महा ओला इंग्लैंड के एक सेनापति जिखन नाम इज ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ओला एक समुद्री लड़ाई में हराई तो दुनिया घर से पूछा ये तोला ये मंत्र युद्ध के मंत्र युद्ध जीते के मंत्र ते कहां सीख रहे जेला दुनिया में कोई नहीं हरा पाए बोला कहीं हरा दे कौन वाले युद्ध के कॉलेज है जहां थोड़ा ये सब युद्ध कौशल पढ़ाए गए तो कहा जवाब बोले अंग्रेजी में बोला था फिर हिंदी में बोले पता हूं दी बैटल ऑफ वाटरलू वॉज वन ऑन द प्ले फील्ड एंड क्लासरूम्स
ऑफ ईटर एंड हेरो एकर मतलब होते ए जोन शिक्षा में लोग जितार हराए के जो आज मैं नेपोलियन ला हराया हूं ये शिक्षा मुला कोई सैनिक कॉलेज में नहीं मिली ईटर ओखर जन स्कूल ली सोखर नाम ईटर और हेरो ओखर कॉलेज वो कि इस अपन स्कूल और अपन कॉलेज में ओखर कमरा में और बाहर के मैदान में मैं वो शिक्षा पाए रहा हूं जन आज नेपोलियन लहरा जीवन में बहुत लड़ाई आई जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ी पर जब अभी सीखा था ना यही जिंदगी में काम आई और दूसरा कहीं काम नहीं आया तो अभी जब पढ़ा था बोला बहुत ध्यान से पढ़ा टीएम लगा हूं डॉक्टर मना करे एक बात और बताओ मैं अपन जीवन के बाद बता जिन मनखे मनखे एक समान की अमर बाबा साहब की आज अजीत जोगीला बुलाए हम अजीत जोगीला सुना था अजीत जोगी तो तुमरों से गरीब घर में पैदा हुआ मोर गांव के आबादी क्यों सब और मोर गांव के हम आठ आठ बाबू मुनि रहे वो समय पर परिवार नियोजन नहीं चले तो हमार दाई दादा पेट पसिया पासी मिला के हमला कैसे गरीब में पहुंचे ये हम ही जान पर वही परिवार के अजीत जोगी एक जीवन में अपन उदाहरण नहीं देना चाहिए पर मैं यहां देख एक जीवन में जिन लोग जिला जितना है का काम ये है बोला एक जीवन में सबसे पहली इंजीनियरिंग के डिग्री में फर्स्ट क्लास फर्स्ट गोल्ड में कानून के डिग्री में दिल्ली फर्स्ट क्लास फर्स्ट गोल्ड बने ओखर बाद इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस उमा में आरक्षण के कोटा से नहीं आया मैं नित्य रह मेरा अगर चुनाव करना है तो मुला आरक्षण के लाभ नहीं चाहिए वो कर कृपा है तुम्हारी शुभकामना है आईपीएस में मैं बिना आरक्षण के आईपीएस में आया और इंदौर में पुलिस के कप्तान बन के वो पोस्ट और खर बाद जब मोला लगीस ये पुलिस के कप्तान का कलेक्टर थोड़ा दबता थे तो मैं कहूँ और मैं कलेक्टर बन के बताऊँ तो मैं आईएएस में बैठा और वो मैं लिख दिया कि मोला आरक्षण के फायदा नहीं चाहिए और ये मोर बात और छत्तीसगढ़ माटी पर वो जमाना में यहाँ से कोई आईएएस के परीक्षाओं में बैठवे नहीं करता था आईएएस का होते कोनो लग मालूम नहीं रही आईएएस के का किताब होते दुकान में जाओ तुम बता नहीं सकते सन और सर मैं कहूँ मैं आईएएस बन कर रहा और लगा के पढ़े 18 घंटा 24 में 18 घंटा सब पता 6 घंटा में 2-4 घंटा सोना खाना पीना और दूसरे और 18 घंटा लगा के पढ़े और जब आईएएस के रिजल्ट आए
तो पूरा हिंदुस्तान में मोर नंबर आठवां रही। तो मैं ये बात खबर बता रहा हूं, अपन तारीफ करे बर नहीं देखा तो घर बात देखा जाना है कि ऐसे जिंदगी में कहा रहू। राजीव गांधी फिर मोला इस्तीफा करके राज्यसभा लेडीस इन लोकसभा के कई बार राज्यसभा कई बार लोकसभा अपन पार्टी के मुख्य प्रवक्ता बड़े बड़े पदवा और जब छत्तीसगढ़ राज बनी तो घर पहली मुख्यमंत्री भी अजीत जोगी मैं चुनौती दे के कहा था है तो पूरे हिंदुस्तान में जिला आपके पद मिले नहीं है नारे वाले नहीं आए अभी मोर सुर चला थे अभी बोले ना बोला होशियार है हम तो मैं जब मुख्यमंत्री बन गए कलेक्टर बन गए एसपी बन गए है कोनो के हिम्मत कि बोला गरीब कहीं बोला फलाना है ठिकाना है कहीं मतलब ये बाबा जेठा बड़े मूर्ति लगे ये परम पिता परमेश्वर और आप सबके शुभकामना से जिन वचन बोल के दे रही मनखे मनखे एक सपा मतलब गरीब घर में पैदा हुए जोगी और अमीर घर में जन पैदा हुए हैं सब एक बराबर है। अब मैं कोनो से अपन लोग कमजोर तो नहीं मानो मानता नहीं मानो नहीं मानो तुम्हें साथ नहीं तब तक नहीं मानो जोगी जी संघर्ष करो जोगी जी संघर्ष करो मैं कैसे मनखे मनखे एक समान के बचन लो मैं कैसे करूं आज की लड़ाई बेटा मान बेटी मान बाबू मान मुनि मान नौजवान मान आज के लड़ाई तीर धनुष से नहीं हो लाठी से नहीं हो यादव लेके आ रहा हो किस लाठी सरसों तेल पिलाए तेलू के लाठी और नहीं हो घर से बंदूक से भी नहीं हो आज के तो गोला से भी नहीं हो आज के लड़ाई आज समाज के लड़ाई समाज में आगे बढ़े के लड़ाई कौन जीते जेखर हाथ में आज के लड़ाई के औजार शस्त्र अस्त्र औजार आज के लड़ाई के जेकर हाथ में हो ही वो दूसर से आगे बढ़ी और मोर हाथ का वो औजार हवाए वो काहे जब मैं कोनो में चुनौती देके कथा क्या निपट ले बोजी होई होई निपट ले बो कैसे कथा काबर मोर हाथ में देखा था हथियार नहीं समझे मोर हाथ में शिक्षा के हथियार है देखा करना सब ना चारों खाना चित बस हो गए एक दोहा और एक दोहा कहाँ दे रहे हैं खुद देते ना दुनिया के यहाँ तो बड़ा यूट्यूब है ना हम पूरा शिक्षा के हेल आए हैं भाई वहाँ पर खुद नहीं आए हैं दो छुली छुली मोर हम छुली थी उम्मीद बाबा से संबंधित है बाबा से संबंधित है आजा 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 तुम्हारा नाम लिखा ही यहाँ Thank you.
खड़े हो बोला जब मोर बेटा बहुत बोलते आप कौन सुने हो अरे संदीप के फरमाइश में बोला था अरे दे 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 राम राजमा दूध में और कृष्ण राजमा घी और लबरा के राजमा दारू मिले चाउर बेच के पी चलो बंद करे बंदे बाबा बोले नहीं बोले 16 साल की उम्र तक मैं सच बता था बहुत विकट किया है नहीं छुपा काबर गांव में रहे अबे हम पियन वो जमाना में ये पैग और ग्लास व्लास नहीं चलत थी जंगल में रह जा सराय के पान ला तोड़ के एक पान के एक चुप्पी बना तो सियार वाल कहे संजला बोला संजला बोले किसान नंबर वो संजला कहाँ जा फसले एक चुप्पी तो ये जब एक चुप्पी ना तब मोला लगा मजा आई आउ दे पर 16 साल के उम्र मोला पता चले कि अगर जिंदगी बनाना है तो एला छोड़ना पड़े ईमान नहीं माने ईमान नहीं माने पर मैं बोला जरूर हूं ईमान का कथे मैं पूछता हूं कैसे डहरिया जी कैसे चलते तो डहरिया जी का बोलते का करो भैया दिन भर करे हो काम तो संझक चाहिए 250 और जितने उठो मैं कहा था एक चीज से दूर नहीं रहो छत्तीसगढ़ में एक साजिश चलो ये पवित्र कार्यक्रम है तो मैं वो साजिश के बारे में ज्यादा नहीं बोलू हमारा आने वाला पीढ़ी ना बर्बाद करके साजिश चलो पानी नहीं मिली चावल नहीं मिली पर हर गांव में दारू के चाट दुकान जरूर मिली और मैं देखे हूं मैं देखे हूं होगी भाई अब खत्म कर चरण के धुर मोर संग चलो जी हाँ इन्हें परे हाँ तो मैं ये कहा था साजिश चला था 10 साल के लड़का बिहाने उठते तो चाय नहीं पिया बोला दान पिला और कौन पिला थे ये लबरा सरकार देखा नाम महिला काबर ये पवित्र मन शिक्षा था और ये साजिश है कि हमारा आने वाला पीढ़ी दारू पी पी के बर्बाद हो जाए और छत्तीसगढ़ में जो हीरा है सोना है कोयला है लोहा है सागौन है सरई है जंगल है पहाड़ है नदी है नाला है सिंचाई है धान के कटोरा है बॉक्साइट है टीन है इवन दारू पियत रही और हमार लोग के ले जाओ कहते जन बच्चे एक जन एक जन हाथ उठा पता इतना खदान पिछले 12 साल में बांटे भी एक थे तुमला मिले जी ये बहुत कोट है गुप्ता जी कहाँ भी गुप्ता जी बहुत कोट है खजान चला सकते पर ये लगी नहीं कहाँ है और
कल भी नहीं है। समझो ये षड्यंत्र ना समझो, दारू का मतवार बनाते। अरे बड़े आदमी थी ही शूटिंग करा था भी कहे पॉइंट मैं बोला माफ कर, केवल चैन जैन थी ही तब बड़े सेठ है। चल बोला माफ कर, पर अगर गरीब थी तो मोर दीदी मोर बहनी मोर बेटी मोर दाई जन घर चला थे ईमान से पूछा डेढ़ सौ रुपये का मजदूरी मिले थे और एक पौवा 80 रुपया के जाओ तो घर में कतक मिले थे मोर दाई दीदी बहनी बेटी ना 70 रुपया 80 रुपया। उमर लड़का मन लग खवाही पिलाही कहूला अबे जोर से तुम्हारे दोनों हाथ उठना चाहिए। छत्तीसगढ़ महतारी के मैं नारा दे हूं और तुम्हारे कहिया जिंदाबाद और इतना जोर से कहना एक लाख के टेंट उड़ा गया है। नहीं रेडी सब लेता मान बाबू नोनी मान पढ़ाइया मान टीचर मान ए नेता मान संचालक मान सब तैयार है। कोनो तैयार नहीं लगे जब तक गला में खखारू नहीं तो कैसे खखारा। तो मैं बोला था छत्तीसगढ़ मैं तारी और आप कहिया जिंदा बना रेडी इसने होते ना स्कूल में रेडी इसने रेडी चला छत्तीसगढ़ महतारी बोलते 6 बजे गाड़ी पकड़ना है तो जाओ हम धन्यवाद।